में कई बच्चे ऐसे गांव छोटे छोटे बच्चे हैं और ये स्कूल जाने के 3-4 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते हैं, यहाँ से नैनी पैदल जाना पड़ता है उनको, जंगल का इलाका है, यहाँ से शेर बाघ हमेशा घूमते रहते हैं, ठीक है नहीं, रोड ना आने के कारण कई 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 चीज़ों की समस्या है, काफ़ी तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं यहाँ पर। एक तो सबसे बड़ी चीज़ पेंशन लेने के लिए पनवानौला जाना पड़ता है, और कोई आदमी बीमार हो जाता है यहाँ से और वहाँ जाना भी पनवानौले चरचाली खान के लिए जाना पड़ता है, 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और इसलिए कई समस्याएं ऐसी हैं कि जैसे कोई बीमार पड़ गया है और बुढ़े लोग हैं और यहाँ से गांव का आधे गांव का पायलन हो चुका है। रोड पे हमारा रोड अभी दुखी मन गए और हमारे इकल दुकल भैया नना ना ननकिन सेन बुढ़ भ्याव सेन आप और से हमारी बिलीडी भी हमारे लगा हमारे बॉर्ड टांग लगी बॉर्ड पैदल या अपनी घर पर कटोजी घर है पैदल आ रहे हैं और तो समस्या आवे हमन गए नना ना ननकिन सेन हमारे पा हमारे के ब्याह काम हो जब हम खार का बॉर्ड होने बाद सर जाए बिड़ी यहाँ हमन का बहुत दुख से रोड वह हमारा रोड आ जाए हमन का सब तरह सुविधा है जाए अपन का और कोई परेशानी ना रोड बिल्कुल हमन का पूछा सरकार आप तो मोदी बाबू ने करो आप तो वहीं जो करा ले बता मोदी बाबू आप जी कर सकने था। अल्मोड़ा मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है कटोजिया गांव और इस गांव में आज तक सड़क नहीं आ पाई है। गांव के लोगों को आस है कि उनके गांव में भी कभी ना कभी सड़क आएगी और यहां पर भी गाड़ी दौड़ पाएगी। गांव के बच्चे बड़े बुजुर्ग इसी रास्ते से होते हुए सड़क तक पहुँच पाते हैं और उनको आस है कि कभी ना कभी सरकार उनके गाँव को देखेगी और यहाँ पर भी सड़क बनाएगी। अब देखना होगा कि सरकार इस ओर कब तक ध्यान दे पाती है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।